छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन से मृत्यु तक काफी संघर्ष किया। 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी देखभाल उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। संभाजी महाराज इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं को सीख लिया था। संभाजी महाराज ने अपनी 16 साल की उम्र में पहला युद्ध जीता था। संभाजी महाराज ने अपने 9 सालों के अंतर्गत 120 लड़ाइयां लड़ी और हैरानी की बात तो यह थी और उनमें से एक भी लड़ाई वो नहीं हारे। जब 8 लाख की सेना उनका बाल तक बाका नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें 2000 सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके ही परिवार के सदस्य गणोजी शिर्के ने बेईमानी की। इसके बाद उन्हें बहुत सताया गया, जलती सलाखें उनकी आंखों में डाली, उंगलियां काटी, पांव काटे, खाल उतारी। फिर भी उन्होंने अपना मराठा धर्म और मराठा साम्राज्य मुगलों के हवाले नहीं किया। फिर औरंगजेब बोला, मेरी 4 संतानों में से एक भी संतान तेरे जैसी होती संभाजी तो मैं पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बना लेता। ऐसे वीर योद्धा के लिए 1 लाइक तो बनता है मेरे दोस्त।